आप लोगों को गुस्सा आता है? बहुत आता है। तो क्या करते हैं आप लोग गुस्सा आता है तो? मारते हैं आप सुनते हैं। लेकिन आप लोगों को बताएं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक पेपर ले लेती इस टाइप का पेपर फिर उसको फाड़ देती हूँ। फिर भी गुस्सा शांत नहीं होता है और फाड़ती फिर भी नहीं होता शांत और फाड़ती। जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक मैं ये पेपर ऐसे फाड़ती जाती और फाइनली मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। फिर मुझे पता चलता है कि ये तो मैंने कचरा कर दिया अब इसका क्या करें। तो ये कचरा मैं ग्लास में डाल देती हूँ और उसके ऊपर पानी डाल देती हूँ। पेपर तो गीला हो जाता है तो अब गीले पेपर का क्या करें। ये वाइट पेपर ग्लास के अंदर स्मोक की तरह दिखता है बर्फ की तरह दिखता है। जादूगर का फ्यूचर आप चाहो तो बना सकते हो ना चाहो तो नहीं बना सकते। लाइक आप आगे चलकर क्या? मैं आगे चलकर अभी तो मेरी तैयार अभी तो मुझे करना है मुझे बैंगलोर अभी तो इंडिया में प्राइज जीता है लेकिन यही अवार्ड मुझे फॉरेन कंट्रीज में जाके जीतना है। फॉरेन सारे फॉरेन म्यूजिशियन के साथ कम्पीट करके ये अवार्ड लेके आना है और ये शायद मैं इस मार्च में ही करूँगी अगले साल के मार्च में 2015 में। मुझे वहाँ से एक कॉम्पिटिशन के लिए बुलाया गया है तो मैं बेशक वहाँ पर जाना चाहूँगी और वहाँ से ये प्राइज़ लेना चाहूँगी। इस कॉम्पिटिशन जो हुआ था मैं बच्चे तो नहीं थे सारे मुझसे बड़े थे सारे एल्डर्स थे सीनियर म्यूजिशियन थे। ये कॉम्पिटिशन दुनिया भर में लिया जाता है अमेरिका की सोसाइटी है इंटरनेशनल म्यूजिशियन सोसाइटी वो पूरी दुनिया में मर्लिन कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करती है और वहाँ पे हैदराबाद में जो कॉम्पिटिशन हुई थी मर्लिन कॉम्पिटिशन वहाँ पे 20 कंटेस्टेंट्स थे मेरे साथ सारे मुझसे सीनियर थे इंडिया से थे और 3 म्यूजिशंस फॉरेन कंट्रीज से थे एक थाईलैंड से एक मलेशिया से था और एक श्रीलंका से था। तो इन 20 कंटेस्टेंट्स के साथ पार्टिसिपेट किया है बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल म्यूजिशंस थे जो फॉरेन लेवल पे परफॉर्म भी करते हैं। इंडिया के जो म्यूजिशंस थे कहाँ कहाँ से आए थे? इंडिया के म्यूजिशंस मुंबई से थे विशाखापट्टनम से केरला से। और आपको क्या लगता है आपने वो क्या चीज़ थी जिससे यू वर द विनर? मेरे पास बिग इफेक्ट थे प्रेजेंटेशन था म्यूजिक था मेरा कॉस्ट्यूम सबसे अलग था और जो ऐसा जो लेडी म्यूजिशंस है इंडिया में वो भी सब टेलकॉट्स पहनती है जैसे मेन म्यूजिशंस जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो वही लेडी म्यूजिशंस भी प्रिफर करती है लेकिन मेरा जो कॉस्ट्यूम था वो बिल्कुल वैसा नहीं था टोटली गर्ली कॉस्ट्यूम था। बहुत सारे नए एलिमेंट्स डाले थे जो इंटरनेशनली परफॉर्म किया जाता है बिग बिग इफेक्ट्स मैंने डाले थे इसलिए शायद मुझे प्राइज मिला है। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं इंटीरियर डिज़ाइन कर रही हूँ फर्स्ट ईयर। इंटीरियर डिज़ाइन और मैजिक कॉम्बिनेशन आप कैसे कंबाइन कर रही हैं? मुझे इल्यूजन्स डिज़ाइन कर रहे हैं हमारे जो इल्यूजन्स है काफ़ी आउटडेटेड होते जा रहे हैं काफ़ी उनमें सिमिलैरिटीज
सीखने को मिल रही है, तो वो नहीं चाहिए, हरदम कुछ नया आना चाहिए, तभी तो वो लोगों को पसंद आएगा। एक चीज़ बार बार करो तो लोगों को पसंद नहीं आती है, तो जितना हम वेरिएशन डालेंगे उतना लोगों को पसंद आएगा, उतना मैजिक आगे जाएगा। कितने साल की थी जब आपने मैजिक शुरू किया? मैंने 3 साल की थी तब पहला शो किया था डैड के साथ, इतनी सी थी तब, पहले बिना कुछ बोले किया था, 3-4 आइटम्स दिखाए थे मैंने।